आपके सब सेवा कर रहे हैं हम लोग और क्या, सब सेवा कर पब्लिक सेवा कर रहे हैं। अभी खिचड़ी बंटवाया हमने, अभी खिचड़ी बंटवाया हमने दो तीन डे, उसके बाद हम पानी ला रहे हैं प्लांट से, पानी पिला रहे हैं लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट पिला रहे हैं। जो भाई इनकी सेवा जितना कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं, जितनी हमसे सेवा हो सकेगी उतनी से ज्यादा अपनी करेंगे। सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सुबह सुबह से हम लोगों ने जी, आप खुद क्या करते हैं? जी मेरा पानी का ही काम है, पानी का काम जी। आप क्या करते हो सर? हम वैसे सब्जी वगैरह बेचते हैं, जितनी सेवा हो सकती है बाकी बच्चों को पानी दो कदम उठा के, बाकी अपनी सेवा के लिए रात हो या दिन हो जाए, समय पहले सेवा है उसके बाद आगे काम है। क्योंकि हमने सुबह यहाँ आके देखा ना, पानी के लिए लोग बिल्कुल बिल्कुल बेचैन थे, बिल्कुल बेचैन। तो हमने देखा, हमने अपनी काम छोड़ा, हमने कहा इनको पहले पानी पिलाया जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेवा लगा दिया पानी का, पानी पिला रहे लोग। अगर पेट भरा है प्यास से, अगर हमारे भैया को पेट भरा है प्यास से, तो हमें जीवन मिलेगी आज से, इससे जो है वो कुछ नहीं कह सकते। पानी पी लो भैया, पानी पी लो, बोतल ही भर लो, आ जाओ। कहाँ से जा रहे मेरे भैया? पानी पी लेने मेरी बहन, मेरी बहन पानी पी लेने, दो पी भी लो, भर भी लो, पी भी लो, भर भी लो भैया। आ जाओ, पानी पी भी लो, भर भी लो, पी भी लो, भर भी लो भाई, आओ भैया पानी पी लेना। ये बोतल है, 100 बोतलें हमने सुबह से बांट चुके हैं यहाँ पे, ये हमारी बोतलें खेली है और अभी आने गई है 100 बोतलें और बांटेंगे हम लोगों को। अभी रात को 11 बजे तक हमारी सेवा जारी रहेगा, 11 बजे के बाद ही हम अपने घर जाएंगे, जब तक हम सेवा करेंगे पब्लिक की। जी बिल्कुल, कहाँ जा रहे हो? लखनऊ है? लखनऊ। तो आपको किसने बताया कि यहाँ से बस मिलने वाली है? न्यूज़ पे देखा गया। कहाँ देखा? सुनिए सुनिए बताइए जरा, जानना चाह रहे हैं कैसे चले हो, कहाँ? टीवी पे देखा कि यहाँ से बस मिलेगी, कब देखा? सुबह देखा है, सुबह सुबह। तो आप कहाँ से चले हो, कहाँ दिल्ली में रहते हो? हम तो नांगलोई तरफ रहते हैं। नांगलोई रहते हो, कब चले हो, कैसे चल रहे हो? नांगलोई से पैदल चले आ रहे हो? नहीं, आनंद विहार आए। बस मिली थी। बस से कहाँ आए? आनंद विहार। वहाँ से पैदल आ रहे हो? तो आनंद विहार में किसी ने कहा कि इधर बस मिलेगी? नहीं, किसी ने कहा नहीं, लाल कुआं देखते हैं, मिल जाएगी। अच्छा, क्या काम करते हो दिल्ली में आप? यूपी का। क्या नाम है आपका? लाल बाबू। कहाँ जा रहे हो, क्या बताया? लखनऊ। आप सब लोग पीओपी वाले हो? हाँ जी। लखनऊ जा रहे हो सब लोग? हाँ जी। तो अभी किसी ने अगर मान लो बस नहीं मिलेगी लाल कुआं से, तब क्या करोगे? देखेंगे सर। नहीं, बस तो आगे मिली थी लेकिन उसमें भीड़ ज्यादा था ना, छोड़ दी हम लोग, नीचे ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहते। चलिए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहे फरीदाबाद। कहाँ? झांसी। तो यहाँ कैसे पता है, किसने बताया कि आपको इधर बस मिलने वाली है? नेट से जा रहे देख देख के हैं? नेट से देख देख के रोड जा रही है। अब बस नहीं मिलेगी तब क्या करोगे? नहीं, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे। ये सब लोग झांसी जाने वाले हैं, 12:30 बजने वाले हैं और लगातार ऐसे ही लोगों के जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कहाँ जा रहे हो आप? झांसी। झांसी जा रहे हैं सब। आप लोग कहाँ जाने वाले हो? तो परिवार में बच्चे हैं और मान लो कहाँ से बस, किसी ने बोला था यहाँ से बस मिलेगी? हाँ, बोल रहे थे तभी तो गई है। कहाँ, किस, कैसे पता चला यहाँ से बस मिलेगी? बोल रहे थे अभी सब लोग गए हैं यहाँ से, मेरे यहाँ के कई लोग गए हैं डाबा के लिए। अच्छा, कितनी देर से आप लोग यहाँ वेट कर रहे हो? हम यहाँ से आए 4 बजे। नहीं, यहाँ कितनी देर से वेट कर रहे हो? यहाँ 1 घंटा हो गया। तो यहाँ किसी, देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे इनके साथ, तो आप यहाँ से कहाँ जाओगे? तो फिर आगे लाल कुआं में बोल रहे हैं बस मिलेगी। नहीं जाएंगे तो घर जा रहे हैं और क्या। छोटा बच्चा है, चलाते हुए इसको सुनो बाबू, हेलो हेलो। ये बच्चे को कितनी दूर से चला के ला रहे हो आप? छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा? कहाँ जा रहे हो आप? मजबूर है। है? मजबूर है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करिएगा समझ सकता हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? गांव जा रहे हैं। है? गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव पर है? महोबा। महोबा, झांसी के पास। हाँ। कहाँ रहती थी आप? यहाँ पे रहते थे, कौन सा ना,
कहाँ रहते थे? नरोला। नरोला क्या करते थे? अब स्कूल का उसका काम था, रोड का काम था। लेबर है ये? सामान भी इनके पास है। तो यहाँ किसने बताया कि आपको कहाँ से बस मिलेगी, कैसे चले हो आप? अब बता रहे कि बस चलेगी आज, सब देखो कहाँ मिल रही। कौन बताया बस चलेगी? बहुत से आदमी बता रहे, बाहर दिल्ली तक तो निकाल दी, अब निकल रहे। तो वहाँ कुछ देखते, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किया जा रहा है? आनंद विहार तक तो बस से निकाल दिया, आनंद विहार तक बस से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? पुलिस वालों ने। लेकिन वहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम दिल्ली में नहीं था? पुलिस वालों ने कह दिया कि आनंद विहार से उधर जाओ यूपी की तरफ। चावल दिया था खाने के लिए। कब से बैठे हो आप लोग? अभी तो 12 बज गया। हाँ, 10 बजे से बैठे। तो बस नहीं मिल रही है? हाँ, बस का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? लखनऊ। हैं? लखनऊ। आप सब लोग लखनऊ जा रहे हैं? जौनपुर जा रहे हैं। जौनपुर जा रहे हैं। हाँ हाँ जी सर। तो आप कहाँ से आए हैं? सर यही थोड़ा से आए हैं, यूपी से ही। तो कब से इंतजार कर रहे हो आप? सर करीब 2 घंटा हो गया, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पुलिस वाले जो यहाँ हैं? वो कह रहे हैं कि लाल कुआं से बस जाएगी। कह रहे हैं कि लाल कुआं जाए, लेकिन कोई गाड़ी जा रही है हम सबको। यहाँ महिलाएं भी बैठी है, देख रहे हैं, बच्चे भी बैठे हैं सब लोग। आप कहाँ जाने वाले हो? एक ही साथ एक ही जगह जाए। लखनऊ। क्या करते थे आप यहाँ? बेलदारी। कहाँ? दिल्ली में। तो कब चले हो, कब यहाँ पहुँचे हो आप? यहाँ हम लोग 8 बजे। और घर से कब चले? घर हम लोग 4 बजे निकले। सुबह या नहीं, शाम को। तो क्यों निकले दिल्ली में? दिल्ली में कहा जा रहा है कि सब वहाँ इंतजाम है, रहने का, खाने का या सुविधा, क्यों चल पड़े वहाँ से आप लोग? सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है यहाँ। ना हमारे पास राशन कार्ड है, ना तो वोटर कार्ड है। तो हमको किस आधार पे यहाँ प्रवाहित किया जाएगा? लेकिन वहाँ जो अलग अलग जगह शिविर लग रहे हैं खाने पीने के लिए, कुछ कहा जा रहा है तो सर ऐसे भीड़ भाड़ में मना भी किया गया है, ऐसे जगह पे नहीं जाना है। तो कहाँ घर है आपका? सर हमारा जौनपुर है। वहाँ आपका आधार राशन कार्ड वहाँ है? हाँ सर वहाँ। आप इसी चक्कर में जा रहे हैं कि वहाँ आधार राशन कार्ड है? सर जो भी होगा वहाँ हमको मिल। तो आपको किसने कहा कि यहाँ से बस मिलने वाली है जिससे आप यहाँ आ गए? सर ऐसे लोग जा रहे हैं, उसी आधार पे हम भी चले आए। तो आप लोग को किसी ने बताया कि यहाँ बस मिलने वाली है? जी जी, बसें आ रही है ना। कैसे आए बताइए? पैदल आ रहे हैं। पैदल आने? नहीं, पता कैसे चला कि यहाँ बस मिलने वाली है? सब 62 में रहते हैं यहीं। 62 में रहते हैं तो यहाँ। अच्छा। क्या 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 बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो बोलिए। समाचार में सुना थे सब लोग यूपी के लिए 1000 बसें अलाउ हुई हैं। कहाँ सुने? समाचार में, न्यूज में। न्यूज में? अच्छा, न्यूज में सुने थे कि बसें चालू हुई हैं, सभी जाए आनंद विहार से। आनंद विहार से न्यूज में सुने कि 1000 बसें आने वाली है। आनंद विहार में लाइव न्यूज देखा गया है। अच्छा, स्टेट उत्तराखंड चैनल पे। चलिए, 12 बज गए हैं, बल्कि अब 12:15 बजने वाले हैं, और यहाँ लोग ये 2-2.5 घंटे से बैठे हैं और ये बस का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि बस आने वाली है, और इन लोगों को का कहना है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ऐलान हुआ था जिसमें कहा गया था कि 1000 बसें चलेगी, उसी ऐलान के बारे में जानकारी मिलने के बाद से ये चले हैं। शाम को 4 बजे अलग अलग इलाकों से, 4 बजे 5 बजे, और यहाँ 9-10 बजे पहुँचे हैं। अभी 12:15 बज गए, 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, इसमें महिलाएं बच्चे सब शामिल है। देखिए पीछे बच्चा भी दिख रहा है। ये फैमिली जो बच्चे वाली फैमिली है, ये कहाँ जा रही है? सब उधर ही दूर में सर, आजमगढ़ जौनपुर। तो आजमगढ़ के लिए कोई कहा है कि यहाँ से बस मिलने वाली है? सर हम लोग पहले वहाँ 62 में रुके थे, वहाँ से पुलिस बोल रही थी जाओ उधर भाग जाओ, यहाँ वाली पुलिस बोल रही है कि वहाँ चले जाओ, कौशाली जाओ, लाल कुआं चले जाओ, लाल कुआं जाओ। अब यहाँ से लाल कुआं बोल रहे हैं जाने के लिए, किसी तरह से वहाँ से आए यहाँ, फिर यहाँ आए, यहाँ वाली पुलिस वहाँ बोल रही है जाने के लिए। बच्चे उच्चे सब आपके साथ हैं? हाँ सब साथ ही हैं। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। कोई कह रहा है 3 बजे। आप लोग? हम लोग 11 लोग हैं। तो सब जौनपुर के लोग हैं? सब आजमगढ़ के हैं। क्या करते थे यहाँ आप लोग? यहाँ हम लोग काम करते थे, सिलाई काम कर रहे थे कंपनी में।
अभी रात के 12 बजे हैं और LH24 पर अभी भी लोग चले जा रहे हैं पैदल। अभी हालांकि बसें उस तरह से नहीं दिख रही हैं यहाँ, पता नहीं इनके लिए बसों का इंतजाम कहाँ होगा, कितने दूर पैदल जाएंगे, लेकिन काफी लोग अभी भी पैदल जा रहे हैं, वैसे ही जैसे झुंड में आप लगातार देख रहे हैं। और उसमें बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं तो हैं, बहुत सारे लोग यहाँ सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, शायद कई किलोमीटर चलते चलते थक गए होंगे और सब टकटकी लगाकर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद होगी कि कोई बस आएगी शायद। ये सब लोग झांसी जाने वाले हैं, 12:30 बजने वाले हैं और लगातार ऐसे ही लोगों के जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कहाँ जा रहे हो आप? झांसी। झांसी जा रहे हैं सब। आप लोग कहाँ जाने वाले हो? परिवार में बच्चे हैं और मान लो कहाँ से बस, किसी ने बोला था यहाँ से बस मिलेगी? हाँ बोल रहे थे, तभी तो गई। कहाँ, किस, कैसे पता चला यहाँ से बस मिलेगी? बोल रहे थे अभी सब लोग गए यहाँ से, मेरे यहाँ के कई लोग गए हैं ढाबा के लिए। अच्छा, कितनी देर से आप लोग यहाँ वेट कर रहे हो? हम यहाँ से आए 4 बजे। नहीं, यहाँ कितनी देर से वेट कर रहे हो? यहाँ 1 घंटा हो गया। तो यहाँ किसी, देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे इनके साथ, तो आप यहाँ से कहाँ जाओगे? तो फिर आगे लाल कुआं में बोल रहे हैं बस मिलेगी, नहीं जाएंगे तो घर जा रहे हैं और क्या। छोटा बच्चा है चलाते हुए इसको, सुनो बाबू हेलो हेलो, ये बच्चे को कितनी दूर से चला के ला रहे हो आप? अभी इधर ही आया। छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा? कहाँ जा रहे हो आप? मजबूर है। हैं? मजबूर है, क्या करेंगे? हाँ क्या करिएगा, समझ सकता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव पर है? महोबा। महोबा झांसी के पास। हाँ। कहाँ रहती थी आप? यहाँ पे रहते थे। कौन सा ना? कहाँ रहते थे? नरोला। नरोला। क्या करते थे? स्कूल का उसका काम था, रोड का काम था। लेबर है। ये सामान भी इनके पास है। तो यहाँ किसने बताया कि आपको कहाँ से बस मिलेगी, कैसे चले हो आप? अब बता रहे कि बस चलेगी आज, सब देखो कहाँ मिल रही। कौन बताया बस चलेगी? बहुत से आदमी बता रहे, बाहर दिल्ली तक तो निकाल दी, अब निकल रहे। तो वहाँ कुछ देखते, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किया जा रहा? आनंद विहार तक तो बस से निकाल दिया था। आनंद विहार तक बस से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? पुलिस वालों ने। लेकिन वहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम दिल्ली में नहीं था? पुलिस वालों ने कह दिया कि आनंद विहार से उधर जाओ यूपी की तरफ। चावल दिया था खाने के लिए। रात के 8 बज चुके हैं और ये NH24 यूपी बॉर्डर की तस्वीर है, बल्कि यूपी बॉर्डर से 1 किलोमीटर आगे के हैं, इंदिरापुरम का इलाका है। यहाँ से इसी सड़क की तस्वीर आपको लगातार 3 दिनों से मैं दिखा रहा था। आज खास बात कल और आज में फर्क यह है कि आज काफी बसें यहाँ दिख रही है। ये ज्यादातर बसें प्राइवेट बसें हैं और मैंने पूछताछ भी की, कुछ परिवहन निगम की भी बस है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 1000 बसों का इंतजाम किया गया। हालांकि भीड़ के मुताबिक अगर देखें, भीड़ की तादाद देखें, तो बसें कम दिख रही है, लेकिन हाँ बसें दिख रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और बहुत सारी प्राइवेट बसें जो हैं वो मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, ये सब उसके जो कंडक्टर हैं वो बार बार हांक भी लगा रहे हैं। मैंने जानने की कोशिश की तो मुरादाबाद का 300 रुपया, लखनऊ 600 रुपया, ऐसे करके बसों 800, 600, 700, 800 कुछ भी बोल रहे हैं। तो बसों, प्राइवेट बस के लोग इसी ढंग से इन लोगों को चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए लोग जा रहे हैं, अब ये भीड़ उसी तरह से है जैसे भीड़ कल थी, और अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहां जाना चाहते हैं वहां के लिए उनको बस नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें बिहार के भी लोग हैं, इसमें गोरखपुर के भी लोग हैं, इसमें देवरिया के लोग हैं, इसमें सासाराम, पटना, कानपुर से आगे के लोग हैं। बसें जो अभी दिख रही है लखनऊ तक की दिख रही है, कानपुर की बस हमें दिखी, लखनऊ की दिखी, मुरादाबाद बरेली की बस दिखी, और ये देखिए भीड़ उसी तरह से जा रही है। एक बड़ी बात यह है,
कि चाहे मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सभी लोगों ने अपील की है कि जो जहां हैं वहीं रहें। आप अगर दिल्ली में हैं दिल्ली में ही रहें, क्योंकि वहीं आपके लिए राशन पानी का इंतजाम किया जाएगा, किया जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी बातें की कि इतने सेंटर खोल दिए गए, इतनी जगह खाने का इंतजाम किया गया, लेकिन या तो लोग उन सब की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इन्हें लगता है कि नहीं, इनके लिए बेहतर यही है कि ये जहां के रहने वाले हैं, जहां इनका घर है वहीं जाए। यहां देखिए फिर बस लगी है, अंधेरा है थोड़ा, ये 7-8 बस यहां खड़ी है चारों तरफ, आप देख रहे हैं, ये सब प्राइवेट गाड़ियां हैं। अब यहां लोग जो जो जिनको जहां जाना है वो बसों में सवार हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यहां बहुत सारे परिवार वाले यहां नीचे बैठे हैं। इनका गंतव्य कहां है पता नहीं, मैं कुछ लोगों से देखता हूं अगर बात कर पाए। और ये देखिए बसों में लगातार लोग जा रहे हैं, तो कल और आज में ये फर्क है। आज ये तस्वीर थोड़ी तसल्ली वाली है कि लगता है चलो ये सफर अंतहीन कल की तरह नहीं है, और 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे या 15 किलोमीटर पे हो सकता है इनको बस मिले। और मैं अभी यूपी बॉर्डर से करीब करीब 4 किलोमीटर आगे आ चुका हूं, और ये काफिला जो लोगों का चलने का है ये कई किलोमीटर, किसी ने बताया 20-25-30 किलोमीटर तक ऐसे लोग चले जा रहे हैं। मैं एक बार 10 किलोमीटर गया था दोपहर में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को क्यों नहीं भरोसा हुआ कि ये दिल्ली में रह सकते हैं, या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन सबको लगा कि नहीं अब छोड़ना ही जरूरी है या चलना जरूरी है। तो एक बड़ी बात यह है कि सबको डर है कि कहीं ये जो लॉकडाउन है ये 3 महीने या 4 महीने न चल जाए। 3 महीने की बात सबके जहन में है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि पहले लगा 21 दिन, लेकिन फिर कहा गया कि 3 महीने का अनाज पानी, खाना पानी, तो लोग कह रहे हैं 3 महीने होगा, तो 3 महीने हम कैसे चलेंगे। दूसरी बात कि इन सबको लग रहा है कि सबका कहना है कि भले सरकार कह रही हो कि यहां राशन मिल रहा है, यहां खाना मिल रहा है, बट हम तक तो कुछ नहीं पहुंच पा रहा था। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात इनको एक और चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड या मेरा जो बैंक में अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, जो भी चीज है, वो सब मेरा गांव में है। हम यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्री में या जहां तहां काम करते थे, या लेबर का काम करें, पेंटिंग करें, पीओपी का काम करें, जो भी काम करें, हमारा यहाँ कोई कागज पत्तर नहीं है। तो अगर हम यहाँ रहते भी हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें अगर कुछ चाहिए या मिलने वाला भी है, अगर सीएम ने पीएम ने कुछ कहा भी है, तो वो सब वही मिलेगा जहां मेरा घर है। तो एक ये भी वजह है, तो कई वजह है, लेकिन एक अविश्वास बहुत बड़ी वजह है। अगर इन सबको ये भरोसा होता कि इन्हें जिन सुविधाओं का ऐलान इनके लिए किया गया है वो सुविधाएं यहां दिल्ली में मिल जाएंगी या जहां से भी ये चले हैं वहां मिल जाएगी, तो शायद ये पलायन कम होता। दूसरी बात, इनको लग रहा है कि घर चले जाएं, अपने शहर अपने गांव चले जाएं, तो अगर थोड़ा कष्ट भी हो, अगर थोड़ी आर्थिक तंगी भी हो, तो भी हम वहां झेल लेंगे। यहां कैसे झेलें, यहां किराया देना है, बच्चे अगर कहीं किसी छोटे स्कूल में भी पढ़ते हैं तो उस पर कुछ खर्चे हैं, रोजमर्रे की जिंदगी जीने के लिए कुछ खर्चे हैं, और उन खर्चों को बेयर करना, उन खर्चों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी कमाते थे 200-400-500 रुपया डेली, वो सारी कमाई बंद हो गई, और वो कब शुरू होगी इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। तो ये सब वजह हैं जिसकी वजह से लोग सफर पर लगातार निकले हैं और जा रहे हैं। छोटा बच्चा चलाते हुए इसको, सुनो बाबू, हेलो हेलो, ये बच्चे को कितनी दूर से चला के ला रहे हो आप? छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा? कहाँ जा रहे हो आप? मजबूर हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे? हाँ, क्या करिएगा, समझ सकता हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव पर है? महोबा। महोबा, झांसी के पास। हाँ। कहाँ रहती थी आप? यहाँ पे रहते थे। सुन सुन, कहाँ रहते थे? नरोला। नरोला। क्या करते थे? स्कूल का उसका काम था, रोड का काम था। लेबर है? ये सामान भी इनके पास है। तो यहाँ किसने बताया कि आपको कहाँ से बस मिलेगी, कैसे चले हो आप? अब बता रहे कि बस चलेगी, आज सब देखो कहाँ मिल रही। कौन बताया बस चलेगी? बहुत से आदमी बता रहे, बाहर दिल्ली तक तो निकाल दी, अब निकल रहे। तो वहाँ कुछ देखते, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किया जा रहा है? आनंद विहार तक तो बस से निकाल दिया, आनंद विहार तक बस से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? पुलिस वालों ने। लेकिन वहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम दिल्ली में नहीं था? पुलिस वालों ने कह दिया कि आनंद विहार से उधर जाओ यूपी की तरफ। चावल दिया था खाने के लिए।
ये देखिए अभी NH24 पे ही मैं हूँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, और ये अलग अलग तबकों के लोग होंगे, पूछते हैं क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इन दिल्ली छोड़कर ये लड़के हैं, इसमें अलग अलग उम्र के लोग हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर बदायूं, बदायूं जा रहे हैं। सर क्या करते थे यहाँ? सर सिलाई करते थे सुल्तानपुरी में। आप क्या करते थे? हम भी सिलाई करते थे साथ में। क्या नाम है आपका? शानू। आपका? किस्मर अली। आपका? फैजान। आप क्या करते थे? सिलाई करते संग में ही। तो आप भी सिलाई करते जी? तो आप सब लोग दर्जी का काम करते थे? जी जी सर। तो क्यों जा रहे हो? ये मजदूर नहीं है, गंदा रहोगे। क्या मजदूर? मजदूर बेलदारी करते हैं। बेलदारी कौन करता है? मैं करता हूं। अच्छा, तो आप लोग क्यों जा रहे हो वहाँ? खाने पीने का कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। हम लोग इसलिए जा रहे हैं, दिल्ली का आरडी प्रूफ है नहीं, क्या करें, भूखे मर रहे हैं। दिल्ली का आरडी प्रूफ है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है, क्या करें बोलिए। मालिकों ने 500 रुपए दिए, कहा है कि तुम लोग घर भाग जाओ, और खाने के लिए पैसे ने जो फ्री है वो मकान मालिकों के लिए, किराएदार के लिए है नहीं कुछ। कौन कहा घर भाग जाओ? जिन लोगों के पास काम करते थे उनने 1000-1000 रुपए दिए और कहा घर चले जाओ, और यहाँ जो फ्री सेवा है वो मकान मालिकों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? नहीं तो वहाँ सब जगह कहा जा रहा है कि कुछ कुछ लंगर लगेगा, जो भी लग रहा है तो बिना मकान मालिक को मिलता है लंगर लग रहा है। अब जैसे शाम के टाइम में मतलब मिल रहा है, दोपहर में भूखा रहे इंसान, तो उससे क्या फायदा? पता थोड़ी नहीं हमें कहाँ लग रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी नहीं मिल रही कहाँ पे है, कहाँ पे मार रही है, और बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस डंडे मांग रही है, भगा रही है, मगर बैठ नहीं पा रहे, कहीं आईडी प्रूफ है नहीं। पुलिस ने भगाया आपको? मतलब दिल्ली में सुल्तानपुरी में। यहाँ आओ, वहीं रहो कि घर से बाहर मत निकलो, और बोला कि कैसे जाओगे पैदल आप लोग? पैदल ऐसे जहाँ तक चले जाएंगे वहाँ जा सकते हैं, पैदल सही है किसी और से सही। अरे मेरे चोट लग गई थी इसमें, मेरे टांके आए चार, मेरे पास पैसे नहीं और सरकारी अस्पताल जाने नहीं दे रहे, इतनी बड़ी दिक्कत है। ये अलग अलग हरदोई जिला के लोग हैं इसमें। आप कहाँ के हो? हरदोई जिला के, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। आपने से कोई अपना फोन नंबर दे सकता है रास्ते में? हम कोशिश करेंगे कुछ। हाँ, फोन नंबर ले लो मेरा। बताओ नंबर, बोलो। 8181 इसी में बोलो। 8130622810 8131302810। और कोई नंबर बता सकता है? अपना नंबर बताइए, रास्ते में देखते हैं कुछ मोबाइल का मदद हो सकती है रास्ते में। अगर तो नंबर है 7380-7635-60। नंबर दे सकते हो आप? बोलो चैनल बताओ सर आप। नहीं नहीं, ये सब हम ट्विटर पे डालेंगे, सब सरकार के नंबर पे डालने के लिए। नंबर बोलो। धन्यवाद। नंबर बोलो, बोलो। 88-26-98-40 88-82-86-19-58 सर हम यही जानते हैं। अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आनंद बिहार। आनंद बिहार। कहाँ जा रहे हो आप लोग? आजमगढ़। कैसे जाओगे इससे? जाना ही है। क्या इसी तरह तो जाना ही है, यहाँ भूखे थोड़े। कहाँ आजमगढ़ कैसे जाओगे? यहाँ से पैदल पैदल चले जाऊंगे सर जी। हैं? पैदल पैदल चले जाएंगे आजमगढ़ चले जाओगे? क्या सवारी मिलती जाएगी, चले जाएंगे बैठकर। क्या करते हो यहाँ? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं रोज रोज खाने के लिए, 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। कहाँ रहते थे आप? मंडावली दिल्ली में रहते थे। तो आपको देखना चाहिए ना वहाँ कहीं रेन बसेरा वगैरह नहीं है ना? कोई उतवा नहीं, बाहर निकलने पर पुलिस वाले डंडे से मारते हैं, रूम से बाहर निकलो। पैदल कैसे जाओगे? कहाँ चलेंगे? इधर से गाड़ी घोड़ा मिलती जाएगी, सवारी करते जाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले? करते क्या हो आप लोग? बस POP का काम करते हैं। POP का आप क्या करते हो? POP सब POP ये सब POP के लेबर हैं, देखिए NH24 पर। और 3 दिन से भूखे हैं ये कह रहा है लड़का कि 3 दिन से भूखे हैं। ये सब लोग पैदल यहाँ से चल पड़े हैं, निकलते हैं, पुलिस वाले डंडे मारकर फिर रूम में भगा देते हैं। बताओ खाने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ 26 रुपए किलो आटा था वहाँ 50 रुपए किलो आटा हो गया, कैसे कमाएंगे? ये देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम है। शिवम है, ये बोल रहा है कि 26 रुपए का आटा 50 रुपए किलो हो गया, और घर से निकलते हैं पुलिस वाले इनको भगा देते हैं। और ये सारे मजदूर हैं जो इलाका छोड़कर जा रहे हैं। आप क्या करते हो? POP का। आप भी POP का? आप क्या करते हो? हैं? सारे वही काम करते हैं। आपका क्या नाम है? सूर्यकेश। तो आप भी आजमगढ़ के हो? तो सारा पूरा भी ग्रुप आजमगढ़ का है।
ये पूरा जो जत्था है आजमगढ़ का, आप भी मंडावली में रहते थे तो वहाँ कहीं देखना चाहिए था ना, दिल्ली सरकार रैन बसेरा वगैरह में खाने का इंतजाम कर। जाएंगे जब बाहर पुलिस निकलने ही नहीं है तो कैसे जाएंगे, जब बाहर निकलते मार के गली से हर रूम पर भगा देती है। पैदल कैसे जाते, मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैदल ही जाएंगे क्या करेंगे। हाँ क्या बता रहे हो, क्या नाम बताया? उपेंद्र। उपेंद्र आज यहाँ से इटावा जाओगे आप? जी। ये देखिए ये मजदूरों का जत्था है जो NH-24 पर लगातार अलग अलग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये लोग रह रहे थे। रोजी रोटी के लिए कोई पेंटिंग कर रहा था, कोई कारपेंटर का काम कर रहा था, कोई कुछ पीओपी का काम कर रहा था। आप क्या बता रहे थे? पेंट का काम। जी पेंट का काम। आप क्या कर रहे थे? पेंट का काम कर रहे थे। तो आप लोग का काम धंधा बंद हो गया? कुछ बंद हो गया, बंद हो गया। भाई 18 तारीख को आए थे, एक दिन के लिए दिल्ली बंद करने को बोला गया तो हम लोग फिर गए नहीं एक दिन में। अच्छा तो वहाँ कहीं रैन बसेरा या सरकार की तरफ से? कमरे में रह रहा था तो मकान मालिक भी बोला भाई बीमारी चल रही है आप लोग जाइए घर से। मकान मालिक ने भी आपको कहा चले जाइए? भाई वे लोग तो कहेंगे बीमारी चल रही है दो। तो लेकिन पैदल कैसे जाओगे आप? तो रास्ते में खाने पीने के लिए है आपके पास? नहीं तो है कुछ बिस्किट विस्किट वगैरह ले लेंगे खा लेंगे जो भी है जैसा है। तो आप कुछ कहना चाहते हो सरकार से पीएम से? तो कुछ नहीं, इतने लॉकडाउन हुआ क्या कर पाऊंगा? हाँ सर कहना तो चाहते हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते सर जो बाहर के लोग जैसे बिहार के यूपी के सभी लोग फंसे हुए हैं जगह जगह, मजदूर फुटकर वाले जो नौकरी सरकारी नहीं है उनकी, प्राइवेट भी नहीं नौकरी, जो प्राइवेट वो लोग जो काम करते फुटकर वाले जैसे देनदारी सफेदी रंग पैन यानी राजमिस्त्री का काम बिजली का काम फुटकर वाले, तो वो लोग फंसे पड़े उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं है। पंजाब में जो हमारे रिश्तेदार फंसे पड़े हैं वो भी वहीं कहते कोई रास्ता नहीं आने का और कुछ हमारे। लेकिन वहाँ देखना चाहिए कुछ जगह ऐसा खाने का लंगर कोई नहीं या कोई साधन है नहीं। सरकार तो खाली सुनाई में आता है कि ये चीज करेंगे वो पैसा खाते में डालेंगे, कोई चीज वहाँ पर ऐसा। तो आपका खाता वगैरह है कुछ? खाता है तो गाँव में है साहब, यहाँ नहीं। गाँव में है खाता आपका ऐसा जिसमें ट्रांसफर हो या अगर सरकार के पास आपके खाता नंबर हो? गाँव में। जब वो काम से नहीं चलेगा तो उसका क्या फायदा, उसका कोई साधन नहीं है।